अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूँ आप लोगों को अपने YouTube चैनल ट्रिक्सल मास्टर में। दोस्तों काफ़ी लोगों को ना प्रॉब्लम होती है, उनके मोबाइल का स्टोरेज कम होता है या फिर ज़्यादा भी हो तो फुल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है, उनका मतलब मोबाइल काफ़ी हैंग होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका मोबाइल हैंग भी नहीं होगा, जितना चाहें आप अपने मोबाइल का स्टोरेज फुल कर सकते हैं, मतलब 100 GB तक फ्री आप उस पर स्टोरेज सेव कर सकते हैं, अपनी वीडियोज़ फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कभी भी आपका मोबाइल गुम हो जाता है या आपका कोई चीज़ डिलीट हो जाती है गैलरी से, तो आपकी वो वहाँ सेव रहेंगी। ये एक मिसाल का ड्राइवर ही समझें, जैसे एक मिसाल का ड्राइवर होता है ना, वैसे ही आप इसको समझेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको लाइफ टाइम के लिए सेविंग मिलेगी जो कि आप कभी भी सेव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100 GB आप कहेंगे यार ये 100 GB तो बहुत कम है, वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है 100 GB यार, बहुत ज़्यादा होता है। अगर फिर भी आप सोच रहे हैं कि यार 100 GB कम है, तो भाई उसका भी मैं सोल्यूशन इस वीडियो में बताऊँगा। 100 GB की जगह 1000 GB भी आप कर सकते हैं, जी हाँ, 1000 GB तक भी आप अपना स्टोरेज सेव कर सकते हैं और उसमें अपनी वीडियोस और फ़ोटोज़ ऑडियो सॉन्ग वगैरह जो मर्ज़ी रखना चाहें यार रख सकते हैं, उसमें सेव आपका रहेगा। इसका आपके मोबाइल पर ज़रा भी लोड नहीं पड़ेगा, किसी किस्म का आपके मोबाइल पर लोड नहीं पड़ने वाला, ये सारा जो भी है ना सारा सिस्टम आपके उसमें ही पड़ा रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो दो चैनल पर पहली बार है और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि अगली जो वीडियो डालूँ वो आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। अब उस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कैसे करना है सबसे पहले आप लोगों को मैं वो बताता चलूं। उसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला गूगल वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिस लिंक पर मैं आपको लिंक दूंगा वो क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें पहले नंबर पर आपको ये वेबसाइट शो हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं ये वेबसाइट शो हो रही है, अदरवाइज़ आप इसका आइकॉन वगैरह देख लें, नाम देख लें, टैग टू टाइम, ठीक है, ये वाली वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी। सिंपल सा आपने इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखें ये जो पहले वाली है ना, ये वाली आपने इस पे क्लिक करके यहाँ से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ देखें पहले नंबर पर ही आपको शो हो रही है, अभी ये पहले नंबर पर हो रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद ये नीचे चली जाए, तो आपने ये फाइंड कर लेना है। ये टाइटल देख लें, यहाँ से आपने ये 100 GB फ्री ये लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। सो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल है तो मैं इसे कर लेता हूँ ओपन और आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। सिंपल सा जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये शो हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करनी है। जीमेल आईडी लॉगिन करने के लिए यहाँ साइन इन विद गूगल लिखा हुआ है, यहाँ से आपने साइन इन विद गूगल कर देना है। तो मैं यहाँ से साइन इन विद गूगल कर देता हूँ। हाँ आपको देखें मुझे सारी मेरी जीमेल आईडी शो हो रही हैं, तो मैं यहाँ से एक जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो मैं ये पहले वाली जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद ये फिर से मेरी थोड़ी लोडिंग ले रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों इसको आप गूगल से साइन इन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये वेलकम का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसको अगर चाहें तो यहीं से ही आप फोटो अपलोड करना चाहें तो स्टार्ट अपलोडिंग माई फोटो पे क्लिक कर दें, वरना फिलहाल आप इसको स्किप कर दें। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। अब ये क्या है दोस्तों, अब यहाँ देखें अगर आप चाहते हैं कोई भी आप कैमरे से फ़ोटो लेते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि वो इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली इस एप्लीकेशन में सेव हो जाए, आपकी गैलरी में सेव ना हो, अगर आप चाहते हैं गैलरी में पहले सेव हो उसके बाद आप अपलोड करें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ख़ुद पे ख़ुद इसमें जो भी हम तस्वीर कैप्चर करते रहें, जो वीडियो जापिया करें या कुछ भी मतलब करें वो ऑटोमेटिक हो, तो फिर यहाँ देखें फ़ोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्स म्यूज़िक इन सब को आपने ऑन कर देना है। ये ऑफ़ होंगे तो आपने इनको ऑन कर देना है। तो मैं यहाँ इसे अलाउ कर देता हूँ, तो इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ ऑन करने के बाद आपने यहाँ से इसको ये पास कर देते हैं हम इसको, क्योंकि ये हमारे वो है वाईफाई का मांग रहा है तो ओनली वाईफाई को हम बंद कर देते हैं। इसको बैक करते हैं सेटिंग को, ओके जी। उसके बाद आपने इसी तरह बैक करना है और डॉक्यूमेंट्स भी आते रहेंगे, म्यूज़िक भी। और अगर आप अपनी कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं, आपके पास पहले से पड़ी हैं गैलरी में, आप अपने मोबाइल की गैलरी फ्री करना चाहते हैं, फ़ाइल मैनेजर फ्री करना चाहते हैं ताकि आपका मोबाइल हैंग हो रहा है या स्टोरेज फुल हो गया, तो फिर आप यहाँ अपलोड फाइल पर क्लिक करके यहाँ से आपने अपनी वो तमाम वीडियोज़ और फ़ोटोज़ यहाँ अपलोड कर लेनी है। तो मैं एक आधी फ़ाइल अपलोड करके देख लेता हूँ। इस भी फ़ोटो को वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हैं, सिंपल सा आपने उस पर टैप करना है, जैसे मैंने इस पर टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ ऐड पर आपने क्लिक कर देना है दोस्तों, तो ये आपकी फ़ोटो जो है इसमें अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ अपलोड हो जाएगी, ठीक है, ये अपलोड हो गई। उसके बाद दोस्तों आप चाहते हैं अपनी वीडियोज़ वगैरह फोल्डर्स देखना, तो उसके लिए नीचे आप देखें यहाँ फाइल्स का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस फाइल्स पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ आपको सारे आपके फोल्डर शो हो जाएंगे, डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, टॉप सीक्रेट्स, मतलब अगर पासवर्ड लगाना चाहें तो उसके लिए आपने ये वाला इस्तेमाल करना है, इसमें आपने वो वाली चीज़ें रखनी है जो आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते। उसके बाद ये गैलरी है तो यहाँ आप अपनी गैलरी ऐड कर सकते हैं, सारी की सारी गैलरी आपकी यहाँ
ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही कमाल की ये एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं कि यार ये 100 GB से इंक्रीज़ करके ज़्यादा कैसे करें। तो देखें, इस जीमेल आईडी में आपको 100 GB मिल रहा है। ये 100 GB आपकी अगर फुल हो जाती है तो एक और जीमेल आईडी लगा दें, कोई मसला नहीं, फिर 100 GB आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप जीमेल आईडी दूसरी दूसरी लगाते रहें, आपको 100 GB फ्री मिलता रहेगा। जितना चाहें आप फ्री स्टोरेज ले सकते हैं। अब अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो अब आपका ये डाटा यहाँ सेव पड़ा है। कोई और मोबाइल लेते हैं, उसमें सिंपल सा आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा उसी जीमेल आईडी से जैसे लॉगिन करेंगे, वो आपका सारा डाटा रिकवर हो जाएगा। वो सारा डाटा आपका यहाँ मौजूद होगा, वो डिलीट भी नहीं होगा, कहीं फॉर्मेट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो आप जब चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। फेसबुक की आईडी में अगर आप रखते हैं तो वो फेसबुक की आईडी कभी भी बंद हो सकती है, जो आपके लिए बहुत परेशानी का बहस बनती हैं और आपको वो चीज़ें आपकी मतलब खो देनी पड़ती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आप अपनी कोई चीज़ सेव रखना चाहते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।